नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। अप्रैल का महीना मेष राशि वाले जातकों के लिए क्या अच्छी चीज़ें लेकर आएगा और क्या बुरी चीज़ें लेकर आने वाला है, ये आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखते रहिएगा इस वीडियो को और बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर वन फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। दोस्तों राशिफल शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूंगा, ये राशिफल चंद्रमा की स्थिति पर आधारित है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो मेष राशि में विराजमान है या फिर आपकी नाम राशि मेष है, तो ये राशिफल हम आपको समर्पित करते हैं। अप्रैल के महीने में सबसे बड़ा सहयोग ये हो रहा है कि जो नव ग्रह है वो नौ ही ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वैसे राशिफल गोचर के आधार पर आधारित है, तो यहाँ पर हम कुछ गोचर की टाइम और डेट हम आपको बताएंगे, उसके आधार पर आपका राशिफल जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बताऊँ तो अप्रैल के महीने में 7 तारीख को मंगलदेव जो है वो कुंभ राशि में गोचर करेंगे। इसके बाद 8 तारीख को बुध देव का मेष राशि में गोचर होगा। इसके पश्चात 12 अप्रैल को राहु देव मेष राशि में और 12 अप्रैल को ही केतु देव तुला राशि में गोचर करेंगे। 13 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में गोचर करेंगे। 14 अप्रैल को सूर्यदेव मेष राशि में गोचर करेंगे। 25 अप्रैल को बुध देव का वृषभ राशि में गोचर होगा और 27 अप्रैल को शुक्र देव जो है वो मीन राशि में गोचर करेंगे। 29 अप्रैल को शनि देव कुंभ राशि में गोचर करेंगे। ये गोचरीय स्थिति अप्रैल महीने में रहने वाली है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि राहु केतु और देवगुरु बृहस्पति के जो गोचर होंगे उसका फल आपको अप्रैल के मध्यांत के बाद मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन देवगुरु बृहस्पति के बाद जो शनिदेव का जो गोचर होगा 29 अप्रैल को और शुक्रदेव का जो गोचर होगा 27 अप्रैल को, उसका फल आपको मई महीने के अंदर मिलना शुरू होगा। क्योंकि ये जो गोचर होंगे ये 27 और 29 तारीख को होंगे, जो मतलब कि अप्रैल महीने के उत्तरार्ध में रहने वाले हैं। यहाँ बात करते हैं मेष राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना क्या चीज़ें लेकर आएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए जो महीना है कई क्षेत्रों में अच्छी चीज़ें लेकर आने वाला है, तो कई क्षेत्रों में थोड़े उतार चढ़ाव भी आपको देगा। 10th हाउस में स्वराशि के शनि ग्रह की उपस्थिति होने से आपको करियर में, आपको कार्यक्षेत्र की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि नौकरी पेशा लोगों के लिए जो समय है थोड़ा सा अच्छा रह सकता है, लेकिन चुनौतियाँ उन्हें भी मिलेगी, उनको कोई ना कोई टारगेट इस टाइम पर पूरा करना ही पड़ेगा। इस वक्त बृहस्पति शुक्र और मंगल के एक साथ आपके 11th हाउस में होना आपके लिए इनकम सोर्स अच्छी जनरेट कर सकता है, प्रॉफिट अच्छा आपके लिए ला सकता है। और विद्यार्थियों के लिए कहना चाहूँगा, विद्यार्थी वर्ग के लोगों के लिए भी, विद्यार्थियों के लिए भी ये गोचर अच्छा रहेगा, अच्छे परिणाम देने वाला होगा। हालांकि राहु के दूसरे भाव में शनि के 10th हाउस में रहने से घर में कुछ तनाव की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि शनि जो है वो चौथे घर पर दृष्टि दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ परेशानियाँ अपने घर परिवार में देखने को मिल सकती है। साथ ही अगर देखा जाए तो राहु जो है 2nd हाउस में विराजमान है, तो यहाँ पर घर परिवार में विवाद की स्थिति कुछ वाणी की वजह से, बोलने चलने की वजह से आपको हो सकती है, इससे आप परेशान रह सकते हैं। इस दौरान अगर देखा जाए तो आपकी लव लाइफ अच्छी रहने वाली है, क्योंकि पंचम भाव में शुक्र और मंगल की आपकी पूर्ण दृष्टि रहने वाली है, तो लव लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। लेकिन मंगल थोड़ा सा एग्रेसिव प्लेनेट है, तो यहाँ पर आपके और आपके वैवाहिक जीवन में या आपके लव लाइफ में कोई ना कोई परेशानी, छोटी मोटी मनमुटाव की स्थितियाँ देने का काम करने वाला है। आर्थिक पक्ष की अगर बात करें तो मौजूद एकादश भाव में बृहस्पति और दूसरे भाव में राहु की उपस्थिति रहेगी, जो आपके लिए आर्थिक पक्ष को मजबूत करने का काम करेगी। व्यापार करने वाले, कारोबार करने वाले के लिए कहना चाहूँगा यह जो समय है बहुत अच्छा है। द्वादश भाव में सूर्य के होने से स्वास्थ्य के मामले में भी ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस दौरान आपको कुछ छोटी मोटी बीमारियाँ होगी, लेकिन उनसे भी आपको निजात यहाँ पर मिल जाएगी।
अप्रैल का यह महीना आपके लिए कुल मिलाकर देखा जाए मेष राशि वालों तो अच्छे फल ज्यादा ही लेकर आएगा। और अप्रैल के महीने के बाद जैसे मई का महीना शुरू होगा सारे ग्रहों के गोचर हो जाएंगे, स्टेबिलिटी आ जाएगी। जो लॉन्ग टाइम के ग्रह है जैसे कि देवगुरु बृहस्पति, राहु और केतु 18 महीने तक रहेंगे, इसके बाद शनिदेव जो है, तो ये जो गोचर होगा ये आपके लिए बहुत ज़्यादा उथल पुथल या बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें लेकर आएगा। इसका वीडियो में मई के महीने की एनालिसिस वीडियो में लेकर आपके लिए आऊँगा। अप्रैल के महीने में आपको जो चीज़ें प्राप्त होने वाली है उसका ओवरव्यू मैंने यहाँ पर दे दिया है। यहाँ पर मेष राशि वाले जातकों, मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा, उन उपाय को आप अपने जीवन में उतारिएगा। अगर आपको कोई छोटी मोटी परेशानियाँ प्राप्त हो रही होगी तो वो दूर हो जाएगी। नित्य प्रतिदिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और रविवार के दिन या फिर सोमवार के दिन शिवलिंग पर आप जो है घेव अर्पित करें। अगर आप सोमवार को नहीं कर सकते तो रविवार या मंगलवार, इन दोनों में से एक बार आप चॉइस कर लीजिएगा और उस दिन आप शिवलिंग पर गेहूं अर्पित कीजिएगा, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप हनुमान जी को मीठे का भोग लगाइए, आपके जीवन की सभी परेशानियां हल हो जाएगी। ये कुछ उपाय मैंने मेष राशि वालों आपको बताए, इन उपायों को अपने जीवन में उतारिएगा, आपको अच्छी चीज़ें प्राप्त होगी। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आ रहे हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर ये जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री नाथ जी बाबा की। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।